Hello everyone, my name is Shreyas Bard, welcome to Maharashtra S Academy. So today we are going to talk about a very important publication that is NCERTs. आज के इस हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के जनरल स्टडीज फाउंडेशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाले NCERTs एक्चुअली होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इन्हें क्यों पढ़ा जाता है और वाई इट इज टेकन एज वेरी इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन, इसके नोट्स कैसे बनाने होते हैं, इसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ये सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई एम द फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ महाराष्ट्र एस अकेडमी। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन कैडकैम। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी कोचिंग एंड 7 years ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी होते क्या है, वॉट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी इज अ काउंसिल जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट फॉर्मुलेट्स द फॉलोइंग फॉर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड्स, जैसे कि सिलेबस फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, द कंटेंट ऑफ द सिलेबस, टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स, मेंटेन्स द यूनिफॉर्मिटी एंड द स्टैंडर्ड्स। सो एनसीईआरटीज आर डेवलप्ड बाय ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द कंट्री एंड हिंदी एंड इंग्लिश आर द टू इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन टू विच एनसीईआरटीज आर पब्लिश्ड। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एनसीईआरटी पब्लिश किए जाते हैं ताकि पैन इंडिया इसका इस्तेमाल हो सके, एक सेंट्रलाइज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मेंटेन रह सके। ऑल सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक्स आर फॉर्मुलेटेड इनटू दिस पर्टिकुलर पब्लिकेशन। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट, इवन द साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होते हैं एंड दिज आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट कैसे हैं आगे हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटीज क्यों पढ़ने चाहिए, वाई टू रीड एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी। तो सबसे मेन चीज तो ये है दैट इट इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सो इट इज बियॉन्ड एनी कॉन्ट्रोवर्सीज। सरकारी किताब है, ऑथेंटिक है, ऑथोराइज्ड है, हर चीज को रीचेक किया गया है, तो आपके जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन है उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग कहीं पर नहीं आएगी। तो यूपीएससी में आप ये कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेकेंड चीज, एस्पिरेंट्स बिलोंग टू वेरियस एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन यूपीएससी का जनरल स्टडीज का सिलेबस जो है वो सबके लिए सेम होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इट इज सेम फॉर एवरीवन। बट इफ यू आस्क अ मेडिकल स्टूडेंट अबाउट हिस्ट्री, ही और शी वोंट नो एनीथिंग। तो ऐसे केस में एक फाउंडेशन सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। तो वो जो फाउंडेशन है उसको सेट करने का काम एनसीईआरटी करते हैं, राइट? सो दे आर बेस्ट टू बिगिन विद बिकॉज द बेसिक्स आर क्लियर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर द प्री एज वेल एज मेंस। इट सेटिस्फाइज द एंटायर डिमांड ऑफ द सिलेबस। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसकी पूरी डिमांड सेटिस्फाई करता है बड़े ही आराम से, एंड इट मेक्स यू अवेयर एंड अलर्ट अबाउट द प्री एंड मेंस। तो ये जो रीजंस है, इन कारणों की वजह से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी रेफर करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा महत्व भी है, ठीक है? आगे हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है, सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपने किताब उठा ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको प्रीलिम्स का कम्प्लीट सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद में मेंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो पिछले 5 साल के, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप स्टडी कर लो, इट कैन बी फॉर प्री एज वेल एज मेंस। तो ये तीन बातें अगर आप करते हैं तो ही एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो आपको प्रोसेस करके अप्लाई करना पड़ता है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या चीज़ प्रोसेस करनी है और कैसे अप्लाई करना है, वो पढ़ना बेकार है, ठीक है? तो ये जो तीन बातें हैं, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अलर्ट बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, ठीक है? सो दिस आर इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। आगे हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो हिस्ट्री के लिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, यू कैन स्टार्ट विद द क्लास 6, दैट इज आवर पास्ट। तो यहाँ से शुरुआत करके क्लास 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद में 12 तक आप पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 6 से शुरुआत करना है क्लास 12 तक, ठीक है?
इसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, जिसका टाइटल है द अर्थ अवर हैबिटेट। तो यहाँ से स्टार्टिंग करके आप क्लास 12 तक पढ़ सकते हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी तक। तो क्लास 6 के लेके क्लास 12 तक आपको ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए क्लास 6 से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्लास 9 से भी शुरुआत कर सकते हो। तो क्लास 9 की एनसीईआरटी का नाम है पॉलिटिकल साइंस और टाइटल है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। तो यहाँ से स्टार्टिंग करके आप क्लास 12 तक पढ़ सकते हो, जिसका टाइटल है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो दिस कैन बी योर कोर्स फॉर पॉलिटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी आप क्लास 9 से शुरुआत कर सकते हो और क्लास 12 तक इसे पढ़ सकते हो। सो क्लास 9 इकोनॉमी से स्टार्ट करके क्लास 12 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस विल सफाइस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी। When we talk about arts and culture, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो ही एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड एनसीईआरटी क्लास 11 अगेन, उसका एक पार्ट सेकंड आता है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इसका आपको सिलेक्ट रीडिंग करना है और केवल चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ही पढ़ने हैं। तो इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी का आपको सिलेक्टिव रीडिंग करना है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो इन्वायरमेंट के लिए कोई स्पेशल एनसीईआरटी बुक नहीं आती है, लेकिन क्लास 12 की बायोलॉजी और उसके लास्ट 4 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर 13 टू चैप्टर 16, ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए फाउंडेशन सेट कर देगा। तो चैप्टर 13 किसके बारे में है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस के बारे में। चैप्टर 14 इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये जो चार चैप्टर है, इट कैन सेट अप योर बेस टू स्टडी एनवायरमेंटल इकोलॉजी। साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक में ये जो टेक वाला पार्ट है, इट इज़ नॉट कवर्ड बाई एनसीईआरटीज, बिकॉज जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब यूपीएससी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पूछता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बातें एनसीईआरटी में कवर नहीं होती है, लेकिन जो जनरल साइंस का पार्ट है वो कवर हो सकता है। तो आप उसके लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पढ़ सकते हो। सो क्लास 6 से क्लास 10 भी आपका बहुत सारा काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और डीप में जानने की जरूरत है, तो आप क्लास 11 और 12 का जो साइंस की किताब है वो भी पढ़ सकते हो। तो ये तो बात होगी साइंस एंड टेक के बारे में। आगे हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसका रिलेवेंस मेंस में बहुत ज्यादा है। तो जीएस पेपर 1 के अंदर सोसाइटी में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब के 30 to 40 मार्क्स का जो सेक्शन है वो यहाँ से कवर हो सकता है। तो सोशियोलॉजी कवर करने के लिए क्लास 6 से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1। तो यहाँ से स्टार्ट करके आप क्लास 12 तक पढ़ सकते हो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट्स इन इंडिया। तो अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो ये जो पर्टिकुलर सेट है एनसीईआरटी का आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अगर ऑप्शन नहीं भी है, तो आपका जीएस 1 के अंदर काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। सो दिस बुक्स यू हैव टू रेफर फॉर योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड द एनसीईआरटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी जो है सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने जो पढ़ा है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करने का तरीका सीखना पड़ेगा, तब जाके आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ऐसा हम मान सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो मिनिमम 3 से 4 रीडिंग आपको करने ही करने हैं, और इन रीडिंग को आप डिवाइड कर सकते हो इंटू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको पेंसिल हाथ में रखनी है, जस्ट रीड एंड डोंट थिंक मच, बस पढ़िए और आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट उसे आप हाईलाइट करते जाइए और ज़रा सोचिए मत। ठीक है, सो अंडरलाइन व्हाट यू फील इज इम्पॉर्टेंट। अंडरलाइन क्या कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के कॉजेस, डेटा, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स। सेकेंड रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, गो थ्रू सेम टॉपिक अगेन, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ें, और दोबारा पढ़ते वक्त जो आपने पहले अंडरलाइन किया है, अगर आपको लगता है कि वो रिलेवेंट है, काम का नहीं है, तो उसे इरेज करते चलिए, और अगर नहीं लगता है तो उसे रख भी सकते हो। सो इट कैन बी डिपेंडेबल, राइट? सो मेक न्यू इफ यू फील सो। लिंक एनसीईआरटी टॉपिक्स विद द मेन टॉपिक्स इन द सिलेबस, ये सबसे मेन चीज है। सेकेंड रीडिंग के अंदर आपको एनसीईआरटी के टॉपिक को आपके मेन्स के टॉपिक से लिंक करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग इन द हिस्ट्री that Mahatma Gandhi has initiated civil disobedience movement, तो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है इसका टॉपिक मेंस के अंदर ढूंढिए, और ढूंढने के बाद उसको लिंकअप कीजिए
कि इस टॉपिक से क्या क्या अपेक्षा है, मतलब कि व्हाट आर द इम्पैक्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वॉज द आउटकम। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी के टॉपिक को मेंस के टॉपिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग द नॉलेज। ठीक है, थर्ड रीडिंग के अंदर क्या करना है, जस्ट रीड द अंडरलाइन स्टफ, कनेक्ट एवरी टॉपिक विद द मेन सिलेबस। आपका जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी का टॉपिक है उसे मेंस के साथ कनेक्ट करते चलिए। सॉल्व द एक्सरसाइजेस, चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसे आप सॉल्व कीजिए, और उसी चैप्टर के ऊपर प्री और मेंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से थोड़े थोड़े सॉल्व आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्री के क्वेश्चन आप 15 से 20 डालो और सॉल्व कर लो, और मेंस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन भी आप काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, सो डू दिस डिलिजेंटली फॉर एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी चैप्टर। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके अंदर छुपा जो नॉलेज कंटेंट है उसे बाहर निकालना है। तो इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एनसीईआरटी के नोट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाएंगे तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। अब ये दोनों ही बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम है, तो हम इसका मिडल पाथ निकाल के चलते हैं। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनानी है, सबसे पहली बात तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कंफर्ट। अगर आपको लगता है कि आप नोट बनाने के सिवा पढ़ नहीं सकते, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसके हिसाब से चल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नोट बनानी ही पड़ेगी, देन यू हैव टू मेक टॉपिक वाइज नोट्स। यूपीएससी के मेंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के हिसाब से एनसीईआरटी के नोट्स बननी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से नहीं आने वाले, उस टॉपिक से आने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दिया है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है और उसके बारे में क्या क्या पॉइंट हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम नोट बनाएंगे तो ये 10% वाला रूल हमेशा ध्यान में रखिए। आपको पूरा आर्टिकल कॉपी नहीं करना है, तो जो भी आर्टिकल, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसका 10% आपकी नोट होनी चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर वन पेज वन टॉपिक फॉर्मूला। A4 साइज का एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर एक टॉपिक डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन हिस्ट्री। तो उस मूवमेंट के रीजंस क्या थे, उसके इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका आउटकम क्या है, तो ये सब बातें वहां पर लिख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपका एक जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा। इस तरह से अपने टॉपिक को आप समराइज करते हुए चलिए। सो कीप देम इन अ फोल्डर एंड मेक इट सेपरेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सो रिवाइज देम एंड रिलैक्स। ठीक है, तो जो भी आपकी नोट बनेगी उसको रिवाइज करते चलिए एंड जस्ट रिलैक्स। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बर्डन लेके चलने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक को अब्सॉर्ब करना है, उसे प्रोसेस करना है, नोट बनानी है और अंत में रिवाइज करना है, दैट्स इट, इतना ही काम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल महाराष्ट्र आईएएस अकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।